द हेब्रिड क्रॉस का सब रेशियो रेशियो सब लिख दिया ना नीचे, लिख इन एफ टू जनरेशन, जो जो मैं बोलूँगी वो लिखते जाना, ठीक है, खुद ही लिखना है दोनों। इन एफ टू जनरेशन नंबर वन लिख जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो, नंबर वन फिनोटाइप रेशियो, कितना होगा? यहाँ पर भी लिख ले सारी सारी चीज़ें लिखने के बाद, नंबर वन में फिनोटाइप रेशियो, नंबर टू में जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो कितना होगा? ये तो मल्टीप्लाई वाला याद कर रखा है तूने, मल्टीप्लाई वाला याद कर रखा है ना तूने, ये मैंने ऐसे याद किया, ये मल्टीप्लाई वाला रेशियो है, ठीक है। चल अगला, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप का क्या फॉर्मूला था? टाइप्स ऑफ फिनोटाइप टू की पावर एन, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप में टू की पावर एन होगा, हाँ? एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ हेटरोजाइगस, नंबर ऑफ हेटरोजाइगस कितना होगा यहाँ डायहाइब्रिड में? टू, डायहाइब्रिड मतलब एन इज इक्वल टू टू ना, तो कर फिर कितने होंगे फिनोटाइप? टाइप्स ऑफ फिनोटाइप फोर, हाँ चार ही तो हैं ये, कहाँ गया? एक दो तीन चार। अगला लिखो टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, कुछ और ही सोचते हैं, क्या है फॉर्मूला? थ्री की पावर एन, फिनोटाइप में टू की पावर एन, जीनोटाइप में थ्री की पावर एन, हाँ। अगला लिखो टाइप्स ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, टाइप्स ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन या टाइप्स ऑफ नहीं नंबर्स ऑफ, टाइप्स नहीं नंबर्स, नंबर्स ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन क्या फॉर्मूला? फोर की पावर एन, यहाँ देखो पी टू जी थ्री जेड फोर सबका पावर में है, फिनोटाइप टू की पावर, जीनोटाइप थ्री की पावर, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन फोर की पावर, हेटरोजाइगस। एन का एक ही जगह बदलता है जब हमें फिनोटाइप बताना हो, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप नहीं, जब हमें फिनोटाइप बताना हो सिर्फ तब एन बदलता है, अदरवाइज नहीं बदलता है, ठीक है। अब हेडिंग डालो कंक्लूजन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, कंक्लूजन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, बता तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन क्या था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखो, अकॉर्डिंग टू, पहले लिखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट डैश करके लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू और मोर कैरेक्टर्स
कैरेक्टर्स इनहेरिट साइमल्टेनियसली देन इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर देन इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कैरेक्टर. अदर कैरेक्टर एंड वन कैरेक्टर इज इनहेरिटेड एंड वन कैरेक्टर इज इनहेरिटेड इनहेरिटेड जस्ट लाइक मोनो हाइब्रिड क्रॉस. अब देखो फॉर आवर कन्वीनियंस फिलहाल हमें पता है कि ये दोनों के दोनों जो जीन है वो अलग अलग क्रोमोजोम पर हैं. तो क्रोमोजोम अरेंज कैसे होंगे इस बात पर ये डिपेंड करेगा कि आने वाला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा. ठीक है, ऐसे अरेंज होंगे तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगा, इससे उल्टा अरेंज होंगे तो रिकॉम्बिनेशन बनेगा, नया कॉम्बिनेशन बनेगा. बट ये तो अभी हमें पता है ना कि क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके ऊपर जीन है, जैसे क्रोमोसोम जाएंगे वैसे जीन जाएंगे. मेंडल को तो नहीं पता था ये सब कुछ. तो मेंडल ने एक्सप्लेन कैसे किया देखना. मेंडल ने बोला हम दो कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, एक हम कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं शीट का शेप और दूसरा हम कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं शीट का कलर. ठीक है, अब अगर तुमको याद हो डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 9:3:3:1 आता है. 9 में क्या होते हैं, दोनों डोमिनेंट राउंड और येलो. 3 वालों में क्या होते हैं, राउंड और रिंकल्ड या फिर सॉरी राउंड और ग्रीन या फिर रिंकल्ड और येलो. और सिर्फ एक कौन सा है, रिंकल्ड और ग्रीन वाला. ये हमारा किसका आंसर है, डायहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का फीनोटाइपिक रेशियो है. अब मेंडल कहता है अगर मैं इन दोनों को इंडिविजुअली मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लेकर के जाता तो हमारे पास में सीड के जो शेप है उसका रेशियो आता मोनोहाइब्रिड में. अगर खाली सीड शेप करेंगे हम तो रेशियो क्या आएगा, फीनोटाइप रेशियो 3:1 आएगा. इसमें से 3 कित क्या होंगे हमारे पास में, राउंड और एक क्या होगा रिंकल्ड. रेशियो क्या आया, 3:1. अब यहाँ देखो राउंड कितने हैं, ये 9 और ये 3 ये सारे के सारे राउंड है. तो कितने राउंड है, 12 राउंड है. और ये 3 और ये 1 ये चारों कैसे हैं, रिंकल्ड हैं. तो 4 कैसे हैं, रिंकल्ड हैं. कैंसिल करो, 4 1 4 4 3 12. अगेन रेशियो क्या आया, 3:1. वही रेशियो आया जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का था. तो ऐसे एक्सप्लेन किया मेंडल ने कि भैया यहाँ पर जो डायहाइब्रिड क्रॉस भले हम पढ़ रहे हैं लेकिन इनका इनहेरिटेंस मोनोहाइब्रिड के जैसा ही है. जैसे यहाँ पर सेम टू सेम इन्होंने शीट के कलर के लिए मोनोहाइब्रिड करवाया तो कलर के लिए मोनोहाइब्रिड का रेशियो क्या आता है, 3:1. इसमें से 3 में क्या आते हैं, येल्लो और 1 में क्या आते हैं, ग्रीन. अगेन यहाँ पर देखो येल्लो ये और ये कितने में, 9+3 12 और ग्रीन 3+1 कितने हो गए, 4. कैंसिल करोगे अगेन रेशियो क्या आएगा, 3:1. तो मेंडल ने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि हम मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड चाहे जो भी पढ़ें, डायहाइब्रिड अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो तब भी कैरेक्टर तो मोनोहाइब्रिड के जैसे ही जा रहे हैं. जितने भी बने उसमें से 3 पोर्शन डोमिनेंट है, 1 पोर्शन रिसेसिव है. सेम टू सेम यहाँ भी 3 पोर्शन डोमिनेंट है, 1 पोर्शन क्या है, रिसेसिव है. तो इसीलिए किन्होंने मेंडल ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होते हैं दोनों के दोनों. अभी हमें क्रोमोसोम वाला पता है मगर मेंडल ने ये किया था. और ये है प्योर दिमाग वाली मैथ्स जो सबको समझ में आई नहीं, इसलिए मेंडल का प्रोजेक्ट फेमस हुआ नहीं, एक्सपेरिमेंट इनका फेमस नहीं हुआ. ठीक है, तो ये क्या है, ये मेंडल का एक्सप्लेनेशन है कि मेंडल ने कैसे पढ़ा था, कैसे एक्सप्लेन किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस दोनों एक ही जैसे होते हैं करके. ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, तूने वो कुछ चीज़ें करनी. एक काम कर ले यहाँ पर, ऊपर में लिख डायहाइब्रिड क्रॉस,
डाइहाइब्रिड क्रॉस, या फिर पूरा ऐसे लिख ले चलो, येलो एंड राउंड सीड्स, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई. एनसीईआरटी में आर पहले लिखा है क्या? आर पहले लिखा है ना, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया, चल जा. हाँ, डाइहाइब्रिड क्रॉस और ये पूरा लिखना, येलो एंड राउंड सीड्स, ठीक है. इसके बाद लिखना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पर मैं लिखना शीट शेप, ये येलो रिंगल पूरा लिखना, और यहाँ पर मैं लिखना शीट कलर. इसको नहीं बता दिएगा, रेशियो सेम एज मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड में लिखना है पर, हाँ सेम एज, लिख दिया क्या? नहीं लिखा तो मत लिखना, लिख दिया तो फिर लिख ले, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. हाँ पेरेंट भी लिख, पेरेंट F1 पूरा लिख सकती है. F1 क्या डिनोट करता है भी आया था एक बार क्वेश्चन, हाँ F1 का क्या मतलब है? F1 का मतलब है फिलियल फर्स्ट जनरेशन, फिलियल मतलब ऑफस्प्रिंग, FELIAL फिलियल फर्स्ट जनरेशन. F2 का मतलब है फिलियल सेकंड जनरेशन. एक बार कहीं देख ली थी मैं, क्वेश्चन आया था ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, या तो नीट में आया तो CBSE में आया, कहीं आया है लेकिन ये क्वेश्चन. God bless you. Round ऐसे लिख सीधे, पनीर चाट बनाने की जरूरत नहीं है. इसके आगे कितना नंबर होता है वो लिखना.
और क्या होगा इसमें, 1 2 2 1 2 2 4 1 है। हाँ ये जीन टाइप लिखेंगे अब यहाँ पर रुपये, इसके साइड में ये अलग से है, वो फीनोटाइप का है, ये जीनोटाइप का है, ये अलग है। चलो कौन सा कितना होगा वो तू बताएगी अब। हाँ खुद से लिख रही है, अच्छा मैंने फिर से आर आर वाले पीछे लिख दिए ना। ठीक है रुको, कॉम्बिनेशन इसके हिसाब से लिख लेते हैं, जैसे इस वाले में ये चार कॉम्बिनेशन आएंगे, हाँ ये चारों कॉम्बिनेशन इसमें आएंगे, इस वाले में आएंगे अगले दो कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, और रिंकल्ड येलो के दोनों कॉम्बिनेशन इधर लिख लेते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर और लास्ट सिर्फ ये वाला इधर हो गया, ठीक है, ताकि बार बार सोचना ना पड़े, उसी के हिसाब से लिख लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो येलो राउंड कितने हैं बताओ, येलो राउंड राउंड एंड येलो, हमने क्या करना था, डोमिनेंट, डोमिनेंट कितने हैं, दोनों डोमिनेंट है, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, इसमें एक ही डोमिनेंट है 3 की पावर 1 कितना हो गया 3, इसमें भी एक ही डोमिनेंट है 3 की पावर 1 कितना हो गया 3, इसमें कोई डोमिनेंट नहीं 3 की पावर 0 कितना हो गया 1, ठीक है, तो हमें रेशियो याद भी है वैसे भी, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या करना था, यहाँ पर हमने देखना था होमोजाइगस हेटरोजाइगस, है ना, किसकी पावर में, 2 की पावर में, 3 की पावर उधर फिनोटाइप के लिए, ठीक है, फिनोटाइपिक नंबर ऑफ फिनोटाइप में 2 की पावर n है, और फिनोटाइप में 3 की पावर n है, ठीक है, नंबर ऑफ जीनोटाइप में 3 की पावर n है और जीनोटाइप में 2 की पावर n है, ठीक, बाकी सब जगह n मतलब हेटरोजाइगस है, लेकिन सिर्फ
यहाँ पर एन मतलब डोमिनेंट, हाँ यहाँ पर भी हेटरोजाइगस होगा। अब बताओ टू की पावर, यहाँ पर पे एक भी हेटरोजाइगस नहीं है तो टू की पावर जीरो कितना हुआ वन, यहाँ पर एक हेटरोजाइगस है तो टू की पावर वन कितना हुआ टू, यहाँ पर भी एक हेटरोजाइगस है तो टू की पावर वन कितना हुआ टू, यहाँ पर दोनों हेटरोजाइगस हैं टू की पावर फोर कितना हुआ टू की पावर टू हुआ फोर, यहाँ पर कोई भी हेटरोजाइगस नहीं है टू की पावर जीरो हुआ वन, यहाँ पर एक हेटरोजाइगस है टू की पावर वन कितना हुआ टू, यहाँ पर कोई भी हेटरोजाइगस नहीं है टू की पावर जीरो कितना हुआ वन, यहाँ पर एक हेटरोजाइगस है टू की पावर वन कितना हुआ टू, और यहाँ पर कोई भी नहीं है तो कितना हुआ वन। ठीक हो गया, ये रेशियो निकालने का तरीका है। अब यहाँ पर देखो मुझे बताओ कि क्या कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई क्या ये दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन है? तो एक ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और एक ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, साथ ही साथ देखो क्या कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी एफ वन वाला पेरेंट है, तो ये भी हम किसका में मानेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन है मानेंगे, पेरेंटल मानेंगे इसको भी, क्योंकि ये भी इस एफ टू के लिए तो पेरेंट ही माना जाएगा ना, बाकी सब रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेंट वेरिएशन है। ठीक है, या न्यू कॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन है न्यू कॉम्बिनेशन। अब यहां पर देखो क्या येल्लो और राउंड पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, येल्लो और राउंड यहां पर भी दोनों जगह क्या है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, तो ये कैसा हो गया हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन। क्या रिंकल्ड और ग्रीन भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, तो ये भी क्या हो गया पेरेंटल कॉम्बिनेशन, बाकी बच्चे दोनों के दोनों क्या हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब मैं पूछूंगी क्वेश्चन, उनके हिसाब से तूने देना है आंसर। ठीक हो गया, चलो क्वेश्चन है, जो जो मैं बोलते जाऊंगी उसका तूने वो रेशियो निकाल के लिखना है। हाँ, जो हम लिखते थे 1/3, 1/4, 2/4 वही। बाप रे, यहाँ पर इतना बड़ा कील है मेरा, तो स्क्रैच हो गया होगा, लैपटॉप स्क्रैच हो गया। चलो कील है यहाँ पर बहुत उखड़ा हुआ सा। लिख होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, ऐसे लिख पहले वर्ड्स में, वहीं पर लिखा यहीं पर अगले पेज में लिखा। हाँ, होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स कितना है, फ्रैक्शन लिखना है बोथ कैरेक्टर्स। एफ टू जनरेशन की बात हो रही है, हाँ एफ वन की नहीं, ध्यान से देखना, एफ टू पूछ रहा है एफ वन पूछ रहा है। इन एफ टू जनरेशन लिख ले ऊपर, यहाँ लिख ले इन एफ टू जनरेशन, होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस कौन कौन है, एक दो तीन, वेरी गुड। तो टोटल कितने हैं 4/16, कॉम्बिनेशन कितने बने थे 16, कितना आएगा 4/16। ये तो डब्बे से भी याद कर सकती है, कल डब्बा बताया था 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 चारों होमोजाइगस होते हैं चारों। ये यहाँ पर होगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहाँ पर होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पर होगा स्मॉल आर, ये दोनों ऊपर नीचे हो गए होंगे, वो वाई और आर हमने आगे पीछे लिख दिया था ना उसकी वजह से, बाकी है वहीं पर ये लोकेशन। अगर कैपिटल आर लेते तो ये आएगा, अदरवाइज ये आएगा, है वही लोकेशन। ठीक हो गया, ये चारों लोकेशन कौन सी वाली हैं, होमोजाइगस फॉर बोथ जीन्स, होमोजाइगस फॉर बोथ जीन्स है। ठीक है, अगला लिखो होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर, होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर, होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर एंड हेटरोजाइगस फॉर अनदर, होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर, हेटरोजाइगस फॉर अनदर।
अब यहाँ पर देखते हैं पहले तो ये वाला देखो, एक के लिए होमोजाइगस, दूसरे के लिए हेटरोजाइगस। ये वाला भी एक के लिए होमोजाइगस, दूसरे के लिए हेटरोजाइगस। ये वाला भी एक के लिए होमोजाइगस, दूसरे के लिए हेटरोजाइगस। और ये भी एक के लिए होमोजाइगस, दूसरे के लिए हेटरोजाइगस। टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 2 हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8/60। 2, 2 है ना सब, तो 8/60। अब यहाँ से देख, एक ये दोनों एक जैसे होते हैं, दो ये और ये कितने हो गए? 8 हेटरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स। ठीक है, अगला लिखो, सॉरी होमोजाइगस फॉर वन, हेटरोजाइगस फॉर अदर। अगला लिखो हेटरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स, हेटरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स। अब बता, ये पूरी लाइन है हेटरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर वाली, 4/16। होमोजाइगस फॉर बोथ वाले भी 4 हैं। वही तो है, फिर और कौन है हेटरोजाइगस फॉर बोथ? वही है, आर आर वाई वाई तो होता है वहां पर पे, चार लोकेशंस पे। ठीक है, अगला लिख, फिनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट, फिनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट, 4/18 लिख, रेशियो थोड़ी लिखना है, ये सब रेशियो तो लिखा है तूने, हाँ फ्रैक्शन लिखना है हमने। फिनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट, बता पेरेंटल कॉम्बिनेशन फिनोटाइप में कौन कौन से हैं? टोटल कितने हैं? 10/16 हो गया। अगला लिखो, जीनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट। अच्छा इस वाले में F1 लिखना, पेरेंट नहीं, F1 लिखना इस वाले में, पेरेंट को खाली ऊपर वाला मानेंगे हम। जीनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट, अब बता, हाँ इसको F1 कर दे। बता, इस वाले को खाली F1 मानना है, पेरेंट नहीं मानना है, खाली F1 मारेंगे, नहीं मानना है। दो कितने? 2/16। अगला लिख, जीनोटाइप सिमिलर टू F1, पेरेंट के लिए खाली हम सबसे ऊपर वाला ही मानेंगे फिर, जीनोटाइप सिमिलर टू F1, उसको काट दे, इसको हटा दे, कन्फ्यूजन होगा खाली। जीनोटाइप सिमिलर टू F1, बता F1 के जैसा कितने हैं? 4/16। अगला, फिनोटाइप सिमिलर टू F1, फिनोटाइप सिमिलर टू F1, फिनोटाइप सिमिलर टू F1, F1 क्या है? राउंड और येल्लो, कितने हैं फिनोटाइप राउंड एंड येल्लो वाले? लिख 9/16। अगला क्वेश्चन, न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस, न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस। सिक्स आउट ऑफ फोर्टीन। जीनोटाइप बोला फिर फिनोटाइप बोला मैंने अभी, फिनोटाइप ना, तो न्यू तो ये दो ही हुए फिर, हाँ अच्छा सॉरी 6/16। मुझे लगा ये क्या बोल रही है, 16/16 न्यू कैसे हो सकते हैं। अगला लिख, न्यू जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन, इसमें F1 वाला नहीं लेंगे ना, F1 वाला नहीं लेंगे।
ऐसे क्या गिन गए, 16 में से दो पेरेंटल तो बाकी सारे तो न्यू बचे ना। F1 गिनना है कि नहीं? इसमें गिनना है F1 क्या बोलते हैं, पेरेंट में सिर्फ ये दोनों आएंगे, ये F1 में ही आएगा, तो F1 को भी न्यू मानेंगे। हाँ बता। 14 out of 16। अगला और मैंने क्या बोला, मैं तो जीनोटाइप का फिनोटाइप का कह रही थी, फिनोटाइप का। अगला क्या है, पेरेंटल फिनोटाइप एंड न्यू जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो न्यू जीनोटाइप। पेरेंटल फिनोटाइप कितने हैं? पेरेंटल फिनोटाइप 9 या 10? 10 लिख, 10। रेशियो न्यू जीनोटाइप कितने हैं? 14 हो गया। अगला फिनोटाइपिक रेशियो बिटवीन रिकॉम्बिनेंट्स। सिर्फ रिकॉम्बिनेंट का रेशियो बताना है हमने, बिटवीन रिकॉम्बिनेंट्स बताओ। हाँ, एक रिकॉम्बिनेंट ये 3:3 आपस में बताना है, 3:3 क्या होगा, कैंसिल हो गया, 1:1 चलो हो गया। ऐसे तो वो भी 5:7 होगा, देख दे, चलो उनको रहने दे, उनको वो रेशियो में नहीं, उनको अपॉन में रहने दे। अगला क्वेश्चन लिखा अब ये अभी के लिए, बाद में तूने खुद ये सोच के करना है वहां पर, ठीक है? ऐसा नहीं वहां पर भी याद, ये सब कुछ याद मत कर देना कहीं, ये सारे रेशियो वेशियो फ्रैक्शन ये याद मत करना भाई ये खाली समझने कि कम कैसे निकाल रहे हैं करके, बस हो गया, ठीक है? हाँ बना सकती है। अच्छा तेरे को एक वो तरीका बताते जीनोटाइप और फिनोटाइप के रेशियो निकालने का, छोटा तरीका है, ठीक है? ये वाला याद रखना है, पनेट चार्ट में कहाँ पर कौन सा जीनोटाइप है, कहाँ पर कौन सा फिनोटाइप है करके, ये काम आएगा, इजी कर देगा थोड़ी चीज़ों को। जेनेटिक्स पढ़ने में जल्दी जाता है टाइम। अब याद देख, अगर मोनो हाइब्रिड में तेरे को राउंड और रिंकल्ड का रेशियो दूंगी तो कितना आएगा, 3:1। और अगर मोनो हाइब्रिड में ही तेरे को येल्लो और ग्रीन का रेशियो दिया जाए तो कितना आएगा, 3:1। अब अगर तूने डाई हाइब्रिड का निकालना है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे फिनोटाइप को और जीनोटाइप दोनों को, ठीक है? पहले 3 × 3 करा आएगा 9, 9 क्या होंगे, राउंड येल्लो, ठीक है? फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेगी कितना आएगा, 3 × 1 = 3 क्या होंगे, राउंड ग्रीन। फिर इसको मल्टीप्लाई करेगी इससे कितना आएगा, 3 × 1 = 3 क्या होंगे, रिंकल्ड येल्लो। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेगी क्या आएंगे, 1 × 1 = 1 क्या आएंगे, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है? और साथ साथ फिनोटाइप भी लिखना है तो वो भी हो जाएगा, रेशियो भी पता चल जाएगा, फिनोटाइप भी पता चल जाएगा, ठीक है? अब ये तो फिनोटाइपिक का हो गया, अब हम उसका करते हैं जीनोटाइपिक का। जीनोटाइप का करेंगे तो क्या होगा देखते हैं, जीनोटाइप का भी ऐसा ही होता है, सेम टू सेम वैसे, हाँ सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे इसको किया था। जीनोटाइप का रेशियो क्या आता है हमारा, 1:2:1। अगर मैं इसको शीट शेप के लिए ले रही हूँ तो 1 क्या होगा, कैपिटल आर, 2 क्या होगा, कैपिटल R, स्मॉल r, तीसरा क्या होगा, स्मॉल r, ठीक है? दूसरा हम लेंगे 1:2:1, अगेन मोनो हाइब्रिड का रेशियो, ये हमारा किसके लिए है, कलर के लिए है, कलर के लिए एक क्या होगा डोमिनेंट, दूसरा होगा डोमिनेंट हेटरोजाइगस, तीसरा होगा रिसेसिव, ठीक है? वाई लिखा ही नहीं जा रहा मेरे से चलो अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है? 1 × 1 = 1, कैपिटल R, कैपिटल Y, ठीक है? रेशियो 1 × 2 = 2, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y,
स्मॉल वाई, रेशियो 1:1, 1 कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अगला 2 वाले का करते हैं। देखो 2:1, 2 किसका होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू टू कैपिटल वाई, मैं लिख कैपिटल रही हूँ बोल स्मॉल रही हूँ। अगला 2:2, 4 क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, रेशियो 2:1, 2 कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अगेन फिर अब थर्ड वाले का करते हैं। इस वाले का पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1:1, 1 स्मॉल आर कैपिटल वाई, बाकी नीचे लिख रही हूँ, 1:2, 2 स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, रेशियो 1:1, 1 स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सारे रेशियो यहीं पर से निकल जाते हैं, चाहे जीनोटाइप हो चाहे फिनोटाइप। इसलिए मैं तेरे से कहती हूँ तूने मल्टीप्लाई वाला याद किया है क्या करके, इसी की बात करी थी मैं कि तूने मल्टीप्लाई वाला याद किया है करके, ये मल्टीप्लाई का रेशियो आता है ऐसा। मल्टीप्लाई का ना इजी है, 1:1 लिखा मोनो हाइब्रिड का, फिर उसका डबल, फिर सेम। ठीक है, कॉम्बिनेशन रेशियो मुश्किल नहीं है, याद रखना है कॉम्बिनेशन हमने। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, कोई भी दिया होगा निकल जाएगा। चलो अब अगला, अब क्वेश्चन लिखो, इसको उतार ले तो, वो जीनोटाइप वाला तो तूने पहले उतार रखा है, जीनोटाइप वाला तो लिखा है ना पहले, दिखा यहाँ पर पे लिखा है ना, ये मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, इसी के नीचे लिख दे फिर जीनोटाइप वाला, मल्टीप्लाई करके खुद ही लिख ले, इतना तो आ जाएगा तुझे। फिनोटाइप वाला मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रही, चल पहले जीनोटाइप लिख फिर मल्टी। स्मॉलर स्मॉलर, वैसे इसको भी हम रेशियो में लिख सकते हैं। यहाँ से शुरू कर लिखना, वैसे लिख डायरेक्ट, खाली एक में बना दे, किसी एक में, एक लाइन छोड़ करके लिखना, किसी एक में बना दे ताकि तुझे पता चले कि मल्टीप्लाई कैसे करना है करके। इतना नीचे तक मत ले जा, फिर तेरे को जीनोटाइप लिखने की जगह नहीं मिलेगी। अब लिख ले। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में सिवाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस के। सब कुछ निकल जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, सब कुछ जितने हमने फॉर्मूले बनाए ना सब मोनो हाइब्रिड क्रॉस से निकाले हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाने के दिन बताया था मैंने फॉर्मूले कैसे निकाल रहे हैं हम करके। जिन टाइप का यहाँ पर बना देना जगह तो आई है। हाँ भाई, बस हो गया फिनोटाइप का, अच्छा फिनोटाइप का। अदरवाइज क्या होता है ना, अगर हमें कॉम्बिनेशन रेंडमली लिखते हैं तो हम फिर कंफ्यूज जाते हैं कि हमने ये लिखा कि नहीं लिखा, ये लिखा कि नहीं लिखा करके, तो वो दिक्कत होती है, अदरवाइज सब सब बढ़िया है। फिनोटाइपिक राउंड वैसे तूने कैपिटल वाई, हाँ चल कलर लिखा, ठीक है कर मल्टीप्लाई, एक में बना बस, एक ही लाइन में करना। हाँ अब लिख दे नीचे, ब्रैकेट में लिख ले, नहीं पर लिख ले ब्रैकेट में, इसका रेशियो ज़्यादा बड़ा थोड़ी है। राउंड येलो, येलो
बस हो गया। चल अब लिख क्वेश्चन। जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट, ऑफ अ प्लांट कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई क्रॉसेज विथ कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल ई। हाँ, जीनोटाइपिक प्लांट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये तो मैंने करवा दिया है तुझे। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग हैविंग नंबर वन स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई स्मॉल डी स्मॉल स्मॉल डी हाँ कैपिटल ई स्मॉल ई। अगला टू कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल ई। अब क्या करेंगे? अब रुक जाइए, पर रुक। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए ना, चल कर ले फिर गैमेट बना ले, बना ले गैमेट बना ले। ठीक है, अब एक तरीका तो इसका पनीर चाट बना, एक साइड चार एक साइड दो। एक इजी तरीका बता रही हूँ, क्या है बता। जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी है ना, स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, इसका क्रॉस कराना है कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल ई से। इंडिविजुअल क्रॉस करा ले, पहले इसका क्रॉस करवा इसके साथ में, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस करवाना है, क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास में चार डब्बे बनेंगे। एक डब्बे में इसमें से कैपिटल डी इसमें से स्मॉल डी, दूसरे डब्बे में इसमें से कैपिटल डी इसमें से स्मॉल डी। क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी। नॉर्मल रेशियो है 1:2:1 वाला, ठीक है। फिर हम करवाएंगे क्रॉस इन दोनों का। अब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, देखो एक साइड इसमें तो हेटरोजाइगस है तो दो लाइन आएंगी, लेकिन इसमें तो सारे के सारे स्मॉल ई हैं तो दो लाइन लाने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन से हो जाएगा। इस वाले के लिए लिखेंगे कैपिटल ई स्मॉल ई, इस वाले के लिए लिखेंगे सिर्फ स्मॉल ई। क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल ई स्मॉल ई और स्मॉल ई स्मॉल ई। अब यहाँ पर भी देखो, अगर मैं इसका फ्रैक्शन पूछूँ तो क्या बोलेंगे, 1/4। अगर इसका फ्रैक्शन पूछूं तो क्या बोलेंगे, 2/4। इसका पूछूंगे तो क्या बोलेंगे, 1/4। सेम टू सेम अगर इसका फ्रैक्शन पूछा तो 1/2 और इसका फ्रैक्शन पूछा तो ये भी 1/2। अब हमें निकालना किसका है, किसका निकालना बता। स्मॉल डी स्मॉल ई का कितना है फ्रैक्शन, इनटू कैपिटल ई स्मॉल ई का कितना है फ्रैक्शन, कितना है आंसर, हो गया। हाँ बस, दूसरा वाला तो ट्राई कर, इतना फोटो की जितना जगह छोड़ दे, ठीक है। अगर यहाँ पर ट्राई हाइब्रिड भी होगा तो ऐसा ही करेगी, फिर तीसरा बनाएगी कॉम्बिनेशन पे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है ठीक है।